वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रविवार को चुनी जाएगी टीम, किसकी होगी छुट्टी, कौन करेगा आराम। विश्व कप के सेमीफाइनल में हारते ही भारतीय क्रिकेट में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज का दौरा करना है। पहले टीम का चयन 19 जुलाई शुक्रवार को होना था, लेकिन अब रविवार 21 जुलाई को मुंबई में मीटिंग के बाद टीम चुनी जाएगी। बैठक में कप्तान विराट कोहली 5 चयनकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के मुखिया MSK प्रसाद और उनके साथी देवांग गांधी, शरणदीप सिंह, जतिन परांजपे और गगन खोड़ा के सामने धोनी का संन्यास, विराट कोहली की कप्तानी, रोहित शर्मा को टीम की बागडोर देने पर, रविवार शास्त्री के कोच पद पर बने रहने जैसे कई अहम मुद्दे होंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन किन खिलाड़ियों को इस सीरीज से बाहर का किया जाएगा या आराम दिया जाएगा। टीम चयन से पहले चयनकर्ता सभी खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार हार्दिक पांड्या कैरेबियाई दौरे पर नहीं जाएंगे। खबर के अनुसार पूरी सीरीज से पांड्या को पीठ की परेशानी के चलते आराम दिया जा सकता है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे और T20 से ब्रेक दिया जा सकता है, जिससे टेस्ट सीरीज में वे फ्रेश होकर वापसी कर सकें। केदार यादव की जगह टीम मैनेजमेंट किसी युवा खिलाड़ी को आजमाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि विराट कोहली की जगह इस सीरीज में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान भेजा जाएगा। कोहली आराम करेंगे, लेकिन अब खुद विराट विश्व कप की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर वेस्ट इंडीज से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। विराट कोहली जहां कैरेबियाई दौरे पर बतौर कप्तान जा सकते हैं। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी का भविष्य होगा। धोनी ने अभी तक अपने भविष्य को लेकर कुछ नहीं बताया है, ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। पहले माना जा रहा था कि धोनी वर्ल्ड कप 2019 के बाद संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इस संबंध में कप्तान विराट कोहली को कोई जानकारी नहीं है।